नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के MM कॉलेज में छात्रों ने आज कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज का गेट बंद कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने और प्रबंधन ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। कॉलेज के छात्रों का कहना है कि कॉलेज में दाखिला SC ST के छात्रों को फीस के लिए कॉलेज प्रबंधन परेशान कर रहा है। SC ST के बच्चों की फीस की अदायगी सरकार करती है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि सरकार की तरफ से फीस अभी तक नहीं आई है, इसलिए बच्चे खुद फीस की राशि जमा करवाएंगे। कॉलेज प्रबंधन ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर छात्रों ने फीस की राशि जमा नहीं करवाई तो उनसे पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर के छात्र गुस्से में आ गए और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं छात्रों ने बताया कि उनके साथ साथ कॉलेज प्रबंधन जुर्माना राशि के नाम पर भी कॉलेज के छात्रों पर हजारों रुपये वसूल रहा है, जो कि एक सरासर गलत प्रक्रिया है। छात्रों का कहना है कि गरीब परिवार से आने वाले SC ST के बच्चे फीस कहाँ से भरेंगे। इसी बात को लेकर के छात्रों ने आज कॉलेज के गेट को बंद कर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कॉलेज के छात्रों ने भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर प्रबंधन ने इस मामले का हल नहीं निकाला तो छात्र आंदोलन तेज करेंगे। छात्रों ने कॉलेज को 24 घंटे का समय दिया है। कल पल फतेहाबाद से राजेश बांबू की विशेष रिपोर्ट। कल सुबह प्रिंसिपल साहब भी आ जाएंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवा देंगे, जो मांगे उनसे पूरा विचार के पास गए थे। बोला फीस वाला मैटर आप छोड़ दो, इसको लेके दोबारा मेरे पास बताना। हम गए थे, दो तीन दिन गए थे, लेकिन अभी मना कर रहे हैं। सामने मेरे पास आपसे मिलने का टाइम नहीं है, आप बाहर रहोगे। हम अपने जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपसे तो जितने आके होते हैं उन स्टूडेंट को बताइए कि ये जो फीस ली जा रही है, जो कि डेढ़ साल के रूप से फीस ली जा रही है, जो कि आपका सर, हम MM कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जो कि MM कॉलेज प्रशासन है, अन्य फंड के नाम पे बच्चों को लूटा जा रहा है। कभी SC ST बच्चों को SC ST बच्चों का जीरो फीस पे दाखिला हुआ था, उन्होंने गवर्नमेंट उनकी गवर्नमेंट पे करती है, लेकिन अभी कॉलेज प्रशासन उनकी कॉलेज जो फीस ली जाती है वो फीस आने के बाद ली जाती है, लेकिन कॉलेज प्रशासन अपनी मनमर्जी तरीके से ही बच्चों से फीस मांग रहा है। किसी बच्चे 15,000, किसी से 20,000 और किसी 3 साल बच्चों की फीस रुकी हुई है, तो गवर्नमेंट ने पे नहीं किया, बच्चों से ली जा रही है 30,000 रुपए, जो कि बहुत सारे बच्चे गरीब तबके से आते हैं जो फीस नहीं भर पाते, और उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप फीस भरो तभी आप पेपर दे पाओगे, लेकिन बच्चे के पास पैसे नहीं है, उनके इस तरह से दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है, जो कि बच्चे बहुत से बच्चे आते हैं बोले हमारे पास फीस नहीं है, हमारे को कॉलेज में पेपर देने के लिए बच्चे रखा जाएगा, लेकिन हमारा अधिकार है जब तक फीस नहीं है उनको आप पेपरों से दूर नहीं रख सकते, क्योंकि ये कॉलेज प्रशासन है नहीं, जब पेपर नज़दीक आ गए तब बच्चों को बताई है ये बातें, या तो अगर जिन SC ST बच्चों की स्कॉलरशिप आ गई है उन बच्चों को या तो पहले बताना था या बाद में, लेकिन जिन बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आया उन बच्चों पे आप फीस नहीं ले सकते, हमारा मकसद यही है। और बहुत सारे बच्चों के फाइन दे रखे कॉलेज प्रशासन 4,000 रुपए, जो कि गलत है, अगर आप एक भी लेक्चर नहीं लगाए तो भी इतना फाइन नहीं आता, जो कि अपनी मनमर्जी से बच्चों से फाइन दे देते हैं ताकि बच्चे भर जाते हैं, बहुत सारे उनको नहीं पता होता ये फाइन कैसा है, लेकिन हम आज अपनी इन्हीं मांगों को लेके बच्चों की समस्या को दूर किया जाए। हमारी प्रिंसिपल इन बातों को नहीं सुन रहा, पहले भी बात हुई है प्रिंसिपल ने मना कर दिया, और आज कॉलेज प्रशासन ने हमारे साथ बदतमीजी की, हाथ पकड़े हमारे स्टूडेंटों को बाहर किया गया, और उसी के कारण आज हमने गेट के आगे खड़े होकर प्रदर्शन किया ताकि हमारी मांग पूरी की जा सके। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो कल से हम फिर हमारी कमेटी को उसमें बच्चों से
बच्चों के साथ बातचीत करके आगे की कार्यनीति की अपनाई जाएगी, क्या धरना दिया जाएगा या और हर अनिश्चितकालीन भुगतान पे जाएंगे या फिर आगे आंदोलन करें, सभी बच्चों को साथ लेके आएंगे इस मुद्दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है, मैं SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से।